कल 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई। राष्ट्रीय प्रतीक को नए संसद भवन के ऊपर रखा गया है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। संरचना सुंदर दिखती है। प्रतीक भारी है और इसका वजन 9500 किलोग्राम है। इसके वजन को सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम की स्टील संरचना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने वहां पर एक धार्मिक समारोह में भी भाग लिया। प्रतीक 6.5 मीटर लंबा और 4.34 मीटर चौड़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया, कांस्य राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना मिट्टी मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक और अंत में पॉलिशिंग से तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। प्रतीक को औरंगाबाद महाराष्ट्र के सुनील देवरे और जयपुर राजस्थान के लक्ष्मण व्यास ने बनाया था। निर्माण औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में किया गया और इसे पूरा होने में 9 महीने लगे। क्योंकि छत पर प्रतीक ले जाना संभव नहीं था, इसलिए इसे 150 खंडों में विभाजित किया गया और अप्रैल 2022 से 2 महीनों में छत पर संकलित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का निर्माण कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें बताया कि अक्टूबर 2022 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमें कार्यकर्ताओं के प्रयास पर गर्व है और वे हमें प्रेरित करते हैं। हम उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। कार्यक्रम में मंत्री हरदीप सिंह पुरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य भी मौजूद थे। अनावरण के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि यह गलत है और इससे नाखुश है। AIMIM प्रमुख ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी गलत थे क्योंकि संविधान, सांसद, सरकार और न्यायपालिका को अलग अलग अधिकार देता है। यह नया संसद भवन है और प्रतीक के अनावरण का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को प्रतीक का अनावरण करने और अपना अधिकार थोपने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है।